केशव प्रसाद मौर्य ने एमएलसी प्रत्याशियों को बधाई दी है और एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने पर उन्हें बधाई दी है। साथ ही ट्वीट करके लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के द्विवर्षीय चुनाव हेतु आप सभी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने की हार्दिक बधाई एवं विजय की अग्रिम शुभकामनाएं देती है। तो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बधाई दी है। आज 30 प्रत्याशियों के नाम को उजागर किया गया है और उम्मीदवारों को एक शुभकामना संदेश दिया है। चलिए अब रुक करते हैं अनुभव का। हमारे सहयोगी अनुभव बने हुए हैं, भाजपा कार्यालय के बाहर हैं और वहां की अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुभव, अभी बात हुई है जिसका जिक्र आपने किया और सवाल भी था, वहां पर कहते हैं कि हम लोग पिता पुत्र की राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती है। अरुण यादव की बात कर रही हूं मैं, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए बिल्कुल अरुण यादव जो बात कर रहे थे उसमें एक बात मैं जरूर बताऊंगा। देखिए, रमाकांत यादव जब कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तब बीजेपी के सामने बहुत उआपोह की स्थिति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि फुलपुर पवई से 2017 में अरुण जीते थे बीजेपी के टिकट पे और बीजेपी की सारी तैयारी थी कि अरुण यादव को दोबारा वहां से लड़ाएंगे। पर जब कुछ समय पहले, अगर हम कहें 2021 में, ये शायद अक्टूबर का महीना रहा होगा, तब जैसे ही रमाकांत यादव सपा में शामिल हुए बीजेपी छोड़कर, एक बहुत उआपोह की हुई कि अब हम क्या करें, क्या रमाकांत यादव सपा से अगर लड़ते हैं तो क्या उनके सामने उनके बेटे को खड़ा किया जाए, अरुण यादव को बीजेपी खड़ा करे? क्यों? क्योंकि वो वर्तमान विधायक रहे, 2017 में जीते रहे और यही मंथन चलता रहा। हमने पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से बात की थी, तब हमने पूछा था, भाई अब तो रमाकांत यादव चले गए, अब क्या अरुण यादव को आप टिकट देंगे? तो बड़े जो पदाधिकारी हैं वो भी थोड़ा असमंजस में नजर आए। अच्छा। थे, खैर वहां पर अरुण यादव को टिकट नहीं दिया इस बार चुनाव में बीजेपी ने, और वहां रामसूरत राजभर को लड़ा दिया। रामसूरत राजभर ने इस बार तगड़ी फाइट दी रमाकांत यादव को, और जब एमएलसी टिकट देने की बारी आई तो बीजेपी ने अरुण यादव को ही उतार दिया। यानी आप रणनीति को समझिए, एक तरफ तो बीजेपी ने ये मैसेज दिया कि हम पिता पुत्र को नहीं लड़ा रहे, और दूसरी तरफ जब पिता जीत गया तो बेटे को एमएलसी का टिकट दे दिया। अब ये स्थानीय निकाय के चुनाव है, यानी इसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का सदस्य, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, अब ये इसे दूरदर्शी फैसला कह सकते हैं। आने वाले वक्त में इसकी तस्वीर अलग होगी, एक नई नजीर बन करके तैयार होगी, ये देखना होगा।